न्यूज के प्रायोजक हैं पंचरत्न फर्नीचर। दीपावली धमाका, 11,000 में स्कूटी पाने का सुनहरा अवसर। पंचरत्न फर्नीचर लाया है 2,000 की 15 मासिक किश्त में डबल बेड और 5 सीटर सोफा सेट के साथ ही प्रति माह 4 स्कूटी जीतने का भी मौका, यानी 15 महीने 60 स्कूटी। आज ही सदस्य बने पंचरत्न फर्नीचर उदयपुर। राजसमंद जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में बीती रात उस वक्त माहौल गर्मा गया जब दो युवकों के साथ समुदाय विशेष के कुछ युवकों ने मारपीट कर दी। इस हमले में घायल हुए कृष्णा और राहुल यादव को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका मेडिकल करवाया गया। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और स्थानीय लोग राजनगर थाने के बाहर जमा हुए और अपना विरोध जताया। उधर घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले भर से अतिरिक्त पुलिस जाप्ता राजनगर थाने में तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक कल रात कृष्ण यादव और राहुल यादव घर से खाना खाने के बाद टहलने के लिए निकले थे, तभी मामू बाणेज इलाके में मुंह पर कपड़ा बांधे आए कुछ युवकों ने लाठी डंडे और बेल्ट से उनके साथ मारपीट कर दी। इस हमले में राहुल और कृष्णा को गंभीर चोटें आई। हमले के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग थाने के बाहर जुटे और कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने नामजद प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद देर रात प्रदर्शनकारी थाने से रवाना हुए। उधर इस विवाद के बीच छुटपुट पत्थरबाजी की घटना भी हुई, जिससे दो कारों के शीशे टूट गए। आज का नागरिक बहुत ही प्रबुद्ध और जानकार है। अफवाहें और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी फैलाई जाती है, कुछ लोग जानबूझ के करते हैं, उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई करेंगे। और गलत अफवाहों पर मेरा आग्रह रहेगा कि बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। सभी लोग समझदार हैं, उन्हें पता है इस बात का, लेकिन फिर भी कुछ लोग यदि जानबूझ के ऐसा करते हैं तो हम उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और मेरा सबको निवेदन है कि वो शांति बनाए रखें, यदि इसमें इस किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे फिर कानून अपना काम करेगा। सर, ये जो घटनाक्रम है कहीं ना कहीं इसका जो संबंध है वो गणेश चतुर्थी के दिन जो शोभा यात्रा निकली थी उससे भी। जी हाँ, इसके विषय में इसकी बात की शुरुआत इसी बात के उलाने को लेकर की गई थी। और उस दिन जो बात थी, उस दिन हमने एक निरोधात्मक कार्रवाई के तहत कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन क्योंकि मन में किसी की टीस रह गई होगी इसलिए उसने इस बात को नए सिरे से अंजाम दिया और मारपीट करी।